आज हम बनाएंगे बिहार की एक यूनिक सी कॉम्बिनेशन वाली रेसिपी जो कि दलपूरी है और ये मीठे के साथ खाया जाता है, खीर के साथ, जो कि बहुत अच्छा लगता है। दलपूरी और खीर एक तरह से फेस्टिवल्स में भी बनाया जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूँ प्रगति। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। तो यहाँ पे हम एक कप चना दाल ले रहे हैं। आप ये चार लोगों के लिए बना रहे हैं, आप लोगों को ज्यादा लोग के लिए बनाना है तो ज्यादा ले सकते हैं। तो एक कप में हम दो कप पानी डाल के इसको 4 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। 4 घंटे बाद देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। इसको अब हम बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे कुकर में, और कुकर में 5 सीटी लगने देंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा जितना दाल डाले हैं उतना ही पानी डालिएगा। ज्यादा पानी डाला जाएगा तो आपका दाल बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि ज्यादा पानी ना डालें। अब इसमें हल्दी और नमक डालेंगे ताकि इसका स्वाद अंदर तक अच्छे से चला जाए। नमक हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन 1/2 चम्मच से ज्यादा मत डालिएगा नहीं तो ज्यादा नमकीन हो जाएगा। फ्राई करते वक्त भी नमक डलता है। अब हम 5 सीटी आने के लिए ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। तब तक के लिए चलिए तड़के का तैयारी करते हैं। एक सीटी आएगा उसके बाद फ्लेम को लो कर दीजिएगा, ये भी ध्यान रखना आपको। अब हम तड़के के लिए प्याज कट कर लिए हैं बारीक। अब लहसुन और अदरक है उसको ग्रेट कर लेंगे बारीक वाला से। आप लोग चाहे तो चॉपर की मदद से चॉप भी कर सकते हैं। एक से डेढ़ लहसुन चला जाएगा इसमें। लहसुन का बहुत तड़का अच्छा लगता है, लहसुन का ही तड़का इसमें मजा आता है और ज्यादा लहसुन भी लगता है। तो सारे लहसुन को इस तरह ग्रेट कर लिए हैं। अब हो गया है चना दाल, तो इसको उतार लेंगे और अंदर में ही उसका सारा गैस खत्म होने दीजिएगा कुकर का। तब कुकर का ढक्कन खोलिएगा, देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसको एक छन्नी की मदद से एक बर्तन में डाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो इसका पानी है वो निकल सके। देखिए जो एक्स्ट्रा वाटर है वो नीचे से अच्छे से निकल जा रहा है। इसको छोड़ देंगे, तब तक हम तड़का का तैयारी करेंगे। तो उसके लिए एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। इधर देखिए खीर के लिए भी दूध को बॉईल कर रहे हैं। हल्का सा जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल लगभग 2 चम्मच। अब हींग डालेंगे। कोई भी चना या बेसन का चीज अगर बनाते हैं ना आप, तो ये डालना बहुत जरूरी होता है। हींग जरूर से डालिएगा, डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। अभी गर्मी भी है ना तो थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे 1 चुटकी। अब मिर्च डालेंगे, इसमें 2 मिर्च डाले हैं हम। मिर्च का जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है।
अब यहाँ पे अदरक लहसुन जो था ग्रेट किया वो उसको डाल देना है और हल्का सा बस चला लेंगे। उसके बाद ही प्याज डाल देंगे। इसमें कलर ज्यादा मत आने दीजिएगा वरना प्याज जब तक ये होगा भुनेगा तब तक अदरक लहसुन काला हो जाएगा, इसलिए तुरंत ही प्याज डाल दीजिएगा। अब प्याज को भी अच्छे से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब जो भी चना था उसको डाल देंगे। और इसका पानी अच्छे से सूख जाए तब तक के लिए चलाना है। और इस तरह से हल्का हाथ से दबा भी दीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी हल्का सा, क्योंकि बॉईल होते समय भी डाले थे इसलिए हल्का सा डालेंगे। एकदम हल्का सा नमक भी डालना है क्योंकि पहले से नमक डाला हुआ था। और यहाँ पे हम अब आमचूर पाउडर डालेंगे छोटा चम्मच से आधा चम्मच। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी तरह से एकदम भुनना है। कुछ देर में देखिएगा अच्छे से चना दाल एकदम मिल जाएगा। इतने अच्छे से बॉईल हो गया है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, खुद ही अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। अब हो गया, अब ढक करके उतार देंगे। अब हम खीर चढ़ाएंगे। यहाँ दूध भी बॉईल हो गया है तब तक जब तक हम दाल को तड़का लगा रहे थे। कम आंच में दूध को अच्छे से बॉईल होने देंगे, तब तक हम इधर आटा गूंथ लेंगे। और यहाँ पे हम घी डालेंगे 2 चम्मच, देसी घी घर का बनाया हुआ। अगर आप लोग नमक डालना चाहे तो डाल सकते हैं, हम दाल में के डाले हुए हैं नमक, इसलिए हम पूरी का डो में नमक नहीं यूज करेंगे। आप लोग ऊपर से कुछ अगर डालना चाहें अजवाइन वगैरह वो भी डाल सकते हैं अगर पसंद करते हैं तो। ऐसे दल पूड़ी ऐसे ही बनता है। तो आटा को गूंद लेंगे और हाँ टाइट गूंदिएगा, ज्यादा गीला मत करिएगा वरना आपका पूड़ी फटता है और बेलने में दिक्कत हो सकता है। ऐसे तो दल पूड़ी बनाने का पारंपरिक तरीका हाथ से ही है, लेकिन हर लोग हाथ से नहीं बना पाते हैं तो बेल के भी बनाते हैं। हाथ वाला ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो फटता नहीं है, इसलिए लोग हाथ से बनाते हैं। अब जब तक हम खीर बनाएंगे तब तक आटा भी अच्छी तरह से हो जाएगा। आटा को गूंथ लीजिएगा, जब भी कुछ बनाना हो उससे आधा घंटा पहले गूंथ लीजिएगा, आपका बहुत अच्छे से बनेगा। और ध्यान से चावल डालिएगा, ऐसे छिटकता है बहुत। अब चावल डाल लेंगे। चावल को धो के हम आधे घंटे के लिए छोड़ दिए थे। अब एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में करके और धीरे धीरे चलाते रहना है और ऐसे बॉईल आने देना है। अब हम गुड़ डालेंगे। यहाँ पे हम 1 कप गुड़ डाले हैं। यहाँ 1/2 कप हम चीनी डालेंगे। अगर आप चीनी स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और अच्छे से चला देंगे, बीच बीच में चलाते रहना है और मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से उबलने देना है। अब हम छोटा चम्मच से 1/2 चम्मच यहाँ इलायची कूट के डाले हैं, इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है।
और कुछ धागा, 5 से 6, 6 से 7 धागा हम केसर का डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं, थोड़ा सा बस डालना है हल्का कलर आते तक, और चलाएंगे। अब लास्ट में मखाना डालेंगे, उतारने से कुछ देर पहले मतलब 2 मिनट पहले मखाना डालेंगे, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। हम मखाना और आलमंड्स को चॉप करके डालेंगे, हल्का क्रंच ऐड होता है तो अच्छा लगता है, इसलिए लास्ट में ही डालिएगा। तो खीर लगभग हो गया है, तो इसको बंद कर देंगे। ऐसे ही अच्छा लगता है दल पूड़ी के साथ, हल्का लिक्विडी। बंद करने के बाद ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा होता ही है। तो मेरा सब्जी और खीर भी बन गया है, आटा भी हो गया है। अब आटा का पेड़ा बना के पूरी तलना है बस। थोड़ा बड़ा बड़ा दल पूरी बनता है, इसलिए रोटी का इतना डो, जितना बड़ा डो बनाते हैं ना रोटी के लिए, उस तरह का डो आपको कट करना है, सॉरी पेड़ा कट करना है हम भी। और इस तरह से कटोरी बना के और उसमें दाल फिल कर देंगे। और हल्का हाथ से दबा के इस तरह पेड़ा बना लेना है। इसी तरह सारे को हम बना लेंगे। एक और देखिए, बीच से आपको एक उंगली बीच में रहेगा और एक ऊपर में रहेगा, एक बीच से दबाते जाएंगे और ऊपर से इस तरह उठाते जाएंगे। ज़्यादा पतला मत कीजिएगा नहीं तो नीचे से फट जाएगा। और इसी तरह गोल गोल करके दाल को फिल करेंगे। सारा ऐसे ही पेड़ा देखिए बना लिए हैं। उधर जब तक पेड़ा बना रहे थे तब तक तेल भी चढ़ा दिए थे गर्म होने के लिए, तो तेल भी देखिए गर्म हो ही गया है। अब एक एक करके पूड़ी तलते जाएंगे और डालते जाएंगे। डालते के साथ ना करछी की मदद से हल्का हल्का ऊपर से हिलाते जाइएगा, तभी आपका बहुत अच्छा पूरी फूलेगा। डाल के छोड़ दीजिएगा तो आपका पूरी अच्छा नहीं फूलेगा। देखिए कितना अच्छा पूरी फूल गया है। इसी तरह सारा आपको बना लेना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घर का खाना ही बनाते हैं, जो इजीली अवेलेबल है आपके किचन में वही रेसिपी शेयर करते हैं। तो आप भी जरूर से बनाइएगा, अगर आप अलग तरीके से बनाते हैं तो वो भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह से बनता है और कब बनता है दल पूड़ी और खीर। आप प्लेटिंग करेंगे तो देखिए हल्का सा खीर थिक हो गया है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है, कुछ नहीं होता है, कुछ पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। इससे हेल्प मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए। देखिए कितना मुलायम बना है, बहुत ही मुलायम बना था, बहुत स्वादिष्ट भी लग रहा है।